डेक्स्टर का क्या था बताओ ना। हाँ बताती हूँ, रुक जाओ अभी। अब मैं जब तक रियो ना आता है मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोगों को बताती हूँ कि रुको, पहले तो ये मास्क हटाने दो, मतलब मैं ना पागल हूँ। ठीक है तो ये मास्क हटाने दो। बाय द वे मेरे बंधे हुए बाल थे तो मैं सोई थी तो वो खुल गए हैं। अरे पागल डिक्स पूरे दिन काम ही करता है, मीटिंग्स एंड गैंग स्टफ, वही तो ना। हाँ बट वो कोई बड़ी मतलब गलत बात नहीं है यार, काम करना चाहिए। रुको इधर मैं बैठ जाती हूँ और बैठ के आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। ओके सो देखो बात ये है कि मैं जब शहर में पहली बार आई हूँ, डिक्स को कॉल करो, अभी तक नहीं आया शायद से। तो बात यही है कि मैं जब शहर में पहली बार आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े एक सर्वर में आ रही हूँ और मुझे उतना कुछ पता नहीं था, बिकॉज मैं एक छोटे से सर्वर से अपना प्रैक्टिस शुरू किया था। ठीक है फिर उसके बाद जब यहाँ पे मैं आई HTRP में, जब मेरी सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ना बहुत ज़्यादा डरी थी। और पता है सबसे पहले घर से मलाई, सबसे पहले घर से निकलने के बाद मेरी मुलाकात हुई थी गाइज गणेश गायतोंडे से, यानी कि जीजी से। तो फिर जीजी वहाँ पे ना कॉफ़ी का कोई एक बंदा भी था, और फिर उसके बाद थैंक यू सो मच डायन मॉनिटर्स एंड आशीष गिरी। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि मानो मैंने जीजी को पूछा कि शहर का क्या क्या है, तो जीजी ने मुझे शहर घुमा के दिखाया, ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाई घुमा के। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर हम लोग मतलब जीजी मुझे शहर घुमा रहे थे और मैं जीजी से बात कर रही थी। फिर क्या हुआ तभी हम लोग ना एक ब्रिज के ऊपर गए। आई थिंक आप लोगों को पता है कि तभी ना वो उधर फोटो मतलब कोई एक बिल्डिंग सा था, तो बिल्डिंग में से फोटोज़ आ रहे थे, ठीक है, तो फोटोज़ आ रहे थे और मैंने ना वो फोटोज़ देखे, मतलब वो एक ही बार ही देखा और मैंने सोचा ये कौन हो सकता है, बिकॉज अभी मैं डेक्स्टर को नहीं जानती थी, ऑब्वियस है भाई शहर में पहली बार आई हूँ, डेक्स्टर को कैसे जानूंगी। तो फिर मैंने ना उस दिन जीजी से पूछा था कि जीजी आपको पता है ये कौन है, इसकी फ़ोटो क्यों आ रही है, ज़रा बताना मुझे क्या है, इतनी स्पेशल पर्सन कौन हो सकता है, इतनी खासियत क्यों, बाय। तो फिर उन लोगों ने ना मुझे बोला, जीजी ने बोला तुझे नहीं पता, मैंने बोला हाँ तो मैं तो अभी आई हूँ कैसे पता चलेगा मुझे। तो फिर जीजी मुझे बोल रहा है तू रुक जा, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा बाद में। डिक्स का हाउस देखा था पहले जब बना था, अभी तो अपडेट में हटा दिया था। तो फिर क्या हुआ, फिर उस दिन के बाद से ना मैंने पूछा भी नहीं और फोटो भी उसके बाद तो चली गई थोड़ा सा, बट वो जो इमेज होता है ना वो इमेज दिमाग में रह गया था, पता है। तो इस दिन वाला दिन फिर से होगा क्या, जेनी और डेक्स में बात हुआ था हम लोग ने, नहीं सुना, अरे 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 जेनी पर कैमरा दिन खूब भला अच्छी और नो। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, पता है मेरी मुलाकात किससे हुई, थैंक यू बादल डियर, थैंक यू। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई शिनॉय से, आज सभी लोगों के प्यारे और चहेते शिनॉय बाय द वे। सो शिनॉय से जब मेरी मुलाकात हुई तो शिनॉय वॉज लाइक, वो आप लोगों को तो पता ही है कि शिनॉय सिंपिंग करता है, ठीक है, तो वो एक सेकंड, हरी हो भारी हो मैं, हाँ मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ, पीछे बैठी हूँ, थोड़ा सा बात कर रही हूँ, तो आ जा इधर बैठ जा, चुप कर चुपके से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये देखो मेरा भाई आ गया तो फिर क्या हुआ उसके बाद, शिनॉय ने घर दिखाया था डेक्स का, हाँ शिनॉय ने मुझे डेक्स का घर दिखाया था। एक सेकेंड रुक जा रही हो, ठीक है ना बाबा, थोड़ा सा बैठ जा इधर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिनॉय से बात होती रही, शिनॉय ने बोला था कि शिनॉय का कोई गर्लफ्रेंड है वीवी करके, उसको कुछ याद नहीं है, सो दैट्स वाई वो उसको याद दिलाने के लिए मेरे साथ घूम रहा है। तो उस वो सब बातें होने के बाद ही तो शिनॉय ने मुझे बोला कि मेरी फैमिली में मेरा, मैंने पूछा कि आपके फैमिली में तो फिर कौन कौन है, तो फिर शिनॉय ने मुझे बोला कि मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं और सारे भाइये हैं, ठीक है, एंड तो फिर क्या हुआ, तो फिर शिनॉय को मैंने पूछा कि क्या हुआ, हाँ ओके डायनो का बर्थडे था, अच्छा वो बर्थडे था इसी वजह से वो, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर शिनॉय ने बोला कि चलो मैं तुमको अपने बड़े भाई का घर दिखाता हूँ, ठीक है।
तो उसने ना डेक्स्टर के घर गया था, लेके गया था। तो मैं फिर घर में गई, मैंने शिनोय को बोला भाई ये तो बहुत बड़ा घर है, इसका मतलब तुम सब लोग यहाँ पे रहते हो। तो फिर शिनोय ने बोला कि नहीं, हम सब लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो ये मेरे सिर्फ भाई का ही घर है, मैं हम लोग कभी कभार आते हैं पार्टी वार्टीज करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, मैं घूम रही हूँ उसके घर में, ठीक है। तो घूमते घूमते ना अचानक से वो दीवार पे ना वही वाली फोटो, मतलब जो उधर ऐसे स्लाइड से आ रही थी, वही वाली फोटो उस घर के दीवार पे थी। एंड मैंने जब देखा, आई लिटरली शॉक्ड, मतलब मुझे ना शॉक लग गया कि मतलब ये क्या है। तो फिर मैंने शिनोय के पूछ शिनोय से पूछा, शिनोय ये जो है इनकी फोटोज यार हर जगह क्यों आ रही थी वो बिल्डिंग्स में। तो फिर शिनोय ने मुझे बोला कि बिकॉज यही मेरे बड़े भाई है। मैंने बोला आपके बड़े भाई नाम क्या है बताओ। तो फिर उस टाइम उसने बोला था उसका नाम डेक्स्टर मॉर्गन है। वो मैंने बोला अच्छा ओके ठीक है। तो फिर शिनोय ने बोला एक काम करूंगा, तुझे एक दिन मैं डेक्स्टर से मिलवाऊंगा। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर उनको दिक्कत नहीं होएगी तो जरूर मिला देना उनके साथ। तो फिर एक दिन क्या हुआ था मुझे पक्का याद है, शिनॉय चलो थोड़ा चल चल के बात करते हैं। शिनॉय क्या हुआ था एक दिन, मतलब मुझे बोला था कि तुम आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है, मुझे वो दिन याद है पता है। तो मैं ना ऐसे ही मतलब नॉर्मल चली गई थी, और फिर शिनॉय जब जिस जगह पे मुझे लेके गया था ना, तो उस जगह पे मैंने देखा कि वहाँ पे कोई एक खड़ा था इंसान गाड़ी के बाहर। तो मतलब फिर जब मैंने देखा, और फिर जब उसने बोला, मतलब शिनोय ने उसको बोला डेक्सटर ये जेनिफर है, और बाहर नहीं दिख रही है दीदी, फेस कैम उधर करूंगी तो तुम लोगों को नंबर नहीं दिखेगा गाइस, समझो। एंड गाइस सभी लोग सब्सक्राइब कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेट्स गो एवरीवन, सब्सक्राइब करना बनता है गाइस, जितने भी सारे बंदे देख रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बात यही है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वहां पे उसने बोला अदी आपको जिन्होंने किडनैप किया था उनको हंट कर रहा है डेक्स ओ भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे मैं उसके सामने फिर ऐसे बोला ना हेलो जेनिफर, मैंने बोला वो भाई भाई भाई, क्योंकि वो पहली बार मैं आवाज सुनी थी, बस आवाज सुन के ही मेरा वही पे ही हो गया भाई, यार ये इतना भारी आवाज। और मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ। फिर उस दिन मुझे याद है उसने पूछा था कि क्या आप क्या करते हो सिटी में, तो मैंने बोला था मैं मुर्गी पकड़ के काटने का काम करती हूँ और पत्थर का काम करती हूँ। सो भाई ये सीन हो गया था गाइस। देखो मैं राइट साइड कर सकती हूँ बट आप लोगों को मेरी फोन नहीं दिखेगी, बताओ मैं क्या करूँ, राइट साइड कर दूँ। गाइस सब लोग सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गो यार। प्लेस वाज पिंकेस्ट बॉटल, यस शुभम, ओ माय गॉड, अनेक दिन पर डिक्स आजे, आज तो जो मैं खीर है। ओके सो फिर ये हुआ, फिर मुलाकात हुई, फिर उसके बाद, तो फिर उसके बाद मेरा ज्यादा मुलाकात नहीं हुआ था। डीसी डिसकनेक्ट एंड मैसेज पिन, हाँ ये भी है यार, भूल गई थी वो। हेलो रुकना गाइस एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। रुक जाओ गाइस जस्ट 1 मिनट। हेलो दी, हेलो शैडो एरिना, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो। अरे हाँ, तो फिर उसके बाद फिर सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया, बात वगैरह सब कुछ। फिर मैं ना सुनती थी कि ये मेरा भाई ठीक है, ये कोई सी अंकल के साथ घूमता है, थैंक यू आशना, कोई अंकल के साथ घूमता है ठीक है, थैंक यू रायशा। और फिर और उसकी गाड़ी अपोलो थी, वेयरिंग ब्लैक कलर सूट, वो जैसे सूट में रहता है वैसे सूट में ही था बाय द वे। हेलो क्रिप्टन दी, आपको तो डेक्स्टर बैंक में मिला था ना। नहीं, बैंक में नहीं मिला था। अच्छा हाँ, कभी तो पता नहीं
कोई कभी तो एक बार तो मिला था, आई डोंट नो, उस टाइम मैंने ना वो नोटिस ही नहीं किया था। मैं आपका ओरिजिनल गेम, मेरा ओरिजिनल गेम या नेम बाय द वे, थैंक यू मुकुल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उतना ज्यादा बात वगैरह नहीं हुआ? ये মার খাবে এবার আমার থেকে। অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য একটা জিনিস লাগাতে হয়, সেটা আমাকে লাগাতে হবে। मैं भी बढ़िया, डिक्स आ गया है, कॉल हिम, नील गजर रे, रुक रुक इतनी जल्दी कॉल कैसे करूं यार, रुक जाओ पहले सुन तो लो। फिर उसके बाद ये रियो बोलता है कि उसने उसके उस अंकल से बोला है, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। भाई मेरे पास ही कम है, रुक जाइए ले, एक दे जल्दी, एक तो दो, मैं लाता हूं जाके। अरे बाबा लो लो, ले लो ले लो, तुम ले लो। ये मेरा नल्ला भाई है, एक लौटता भाई, मेरा क्यूट सा। By the way, कनिका भी आने वाली है इस शेयरपी में, प्रीतम वो आने दो। बट यार मैं एक ही चीज बोलूंगी, देखो गाइस डोंट कभी भी यार यहाँ के जगह को, मतलब आरपी को आईआरएल में कॉन्वर्ट मत करो गाइस, आईआरएल में बिल्कुल भी मत दिखाना ये, मतलब इसके साथ रियल लाइफ की कोई ताल्लुकत है ही नहीं, ठीक है ना गाइस। तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगी, कभी भी मत करना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ये बोल रहा है मैंने बोला है उस अंकल के साथ कि तुमको मैं मुलाकात करवाऊंगा, तो उस अंकल ने भी बोला है कि तुम्हारे साथ मुलाकात करेंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रियो ने डेक्स्टर को बुलाया एक जगह मीटअप के लिए, और फिर वहाँ पे मेरी लग गई वाट। और क्योंकि मैं इस सिटी में, ठीक है, मैं इस सिटी में हर लड़के मेरे साथ ऑलमोस्ट फ्रेंड जोन है, ठीक है, मतलब जितने भी लड़के इस सिटी में मेरे साथ बात होती है सारे लड़के मेरे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैं एक बात बोलूँगा, आरपी के टाइम थोड़ा चैट कम पड़ते जाओ, सॉरी, माफ करो, माफ करो। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद रियो हम लोगों को वहां पे लेके गए, ठीक है, और वहां पे लेके जाने के बाद हम लोगों की बातचीत हुई। आई होप वो आप लोगों ने अलीटा की स्ट्रीम पे देखा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अलीटा गाना गाने के लिए बोला, तो मैंने डेक्स्टर के सामने गाना गाया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि द सीन इज, विक्रम जी थैंक यू, द सीन इज के उस समय हम सब लोगों का फट गया। आई होप आप लोगों को पता है कि उसके बाद क्या हुआ कि पूरी सिटी बंद हो गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब खुला सिटी, तब जब मैं आई तभी डेक्स्टर घूमने गया था रशिया, ये आप सभी लोगों को पता है कि डेक्स्टर तभी नहीं था, डेक्स्टर तब रशिया घूमने गया था, ओके ना। सो तब क्या सीन हो गया, मैं ना रोज सब लोगों से मिलती थी, एंड मुझे ये याद है कि एक बार जब कोई सा उन लोगों का टास्क था तो सब लोगों को ना कीज की ज़रूरत थी, आई गेस हम लोगों को पता है कि सब लोगों को कीज की ज़रूरत थी, तो मैंने मुझे अचानक से लगा कि शायद उन लोगों को भी कीज लग सकती होती है। तो एक दिन ना मैं वहाँ पे गाना गा रही थी जेम्स टाउन में, तभी डेक्स्टर को मेरे गाने पसंद आए और उस टाइम उसने मुझे नंबर दे दिया था। अब तो हाँ, गाने में क्वेश्चन, तो नंबर मुझे याद था, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल किया, कॉल करके बोला कि क्या आपको कीज चाहिए, क्योंकि मेरे पास कीज है, तो आप कीज़ ले सकते हो। तो फिर बोला कि ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमको कॉल कर लूँगा, मुझे कीज़ दे देना। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ,
फिर तभी तो हुआ कि मतलब वो रशिया चला गया और मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ मिलने जुलने लग गई जेम्स टाउन पे। फिर माइकल के, पता है माइकल की और मेरी ना बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। पता है मैं माइकल को हर बातें शेयर करती थी, और मैंने ना माइकल को एंड में बोला था, मतलब लास्ट जिस दिन मेरी मतलब माइकल से बात हुई थी, तो मैंने माइकल को पूछा था, माइकल तुमको क्या लगता है डेक्सटर जब वापस आएगा क्या मुझे याद रखेगा? तो फिर पता है वो बात सच भी हुई थी, क्योंकि डेक्सटर जब आया था ना, जिस दिन आया एग्जैक्टली रशिया से वापस, उस दिन मैंने एक बार कॉल किया था। तो कॉल करके पहले मैंने बोला हेलो, तो फिर बोला अरे हेलो, मैंने बोला कैसे हो, तो फिर बोला अरे मेरे फोन का सारा नंबर डिलीट हो गया। मैं बोल रही हूँ, तो फिर मैंने बोला कि मैं जेनिफर बोल रही हूँ। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला बताया, उसने बोला हाँ जेनी बोलो क्या हाल है। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ याद तो है। फिर उसके बाद से शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा करके मिशन डेक्सटर। हर सांस के अरे पेट दर्द हो गया था उसके टीयर पे, वही तो। तो उसके बाद सब फटके हो गया था, सूरज हेलो व्हाट्सअप। तो यही सीन है गाइस, ऐसे ऐसे मतलब मुलाकात होती गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी फिलहाल ये चल रहा है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेक्सटर के साथ एटलीस्ट फ्रेंडशिप मतलब हो जाए, समझ रहे हो। ये रही जेनिफर की अब तक की स्टोरी। बाय द वे गाइस, आप लोगों को शायद से पता नहीं है, जेनिफर को ईडीएम की जॉब मिल चुकी है, ठीक है। सो जेनिफर इज नाउ हैविंग अ जॉब। सो चलिए गाइस, बातचीत तो सब कुछ हो गई, अब नाउ यश आज कोशिश करते हैं, लेट्स गो। कोशिश की कोई कमी नहीं है। माइकल इज नॉट डेड, इट्स नेवर द एंड, या आई नो, लेट्स सी। सो गाइस चलिए लेट्स कंटिन्यू द आरपी, अभी हम लोग आरपी में घुस जाते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुन ली है, एंड 400 लाइक्स कर दीजिए सभी के सभी। सही है ना, बिल्कुल सही है ना। सो चलो, हेलो रियो, हो गया रुकिया रुकिया जी भाई, क्या क्या कर रही थी? अच्छा वो तुम समझोगे नहीं। अच्छा कल क्या क्या हुआ मुझे बताओ, अरे हेलो रुक जा, इधर आ, मुझे बताओ, मुझे अकेला छोड़ के आप दोनों चले गए। मुझे ये बात बताओ, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। ओ रुक जा, हाँ। मुझे ये बात बता, ये तू चड्डी पे क्यों घूम रहा है? अरे वो मैं स्विमिंग करने गया था, अभी धूप में सूखा हो रहा हूँ ना। वाह ये भी ठीक है, चलो हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे चलो मुझे अपनी चोटी बनवाने जानी है हेयर स्टाइलर से। चल हाँ पर वो बताओ पहले, क्या कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? अरे कल वो हुआ कि तू तो चले गए, फिर हम दोनों घूमने गए। हाय फनबस, हम दोनों घूमने गए गाड़ी से, फिर कहाँ? कहाँ पता नहीं, अरे उतनी जगह थोड़ी ना पता होती है। फिर अच्छा उसके बाद हम लोग ना एक वहाँ से गाड़ी से जा रहे थे, तो एक बिल्डिंग था वहाँ पे, और बिल्डिंग के अंदर ना कोई बातचीत कर रहा था, तो हम दोनों के दिमाग में सारे से खुरापति आइडियाज आए, और हम दोनों ने क्या किया, वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, ठीक है। हाँ वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ये सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉल कर कर के एक एक कौन बात कर रहा है बताओ, इतनी रात को हाँ कौन ऐसी हरकतें करता है। तो सही वही वो कर रहे थे, फिर उसके बाद अरे उसने पता है कोई से एक घर पे लेके गया, वो बोला कि उसके कोई अंकल का घर है, पता नहीं बहुत बड़ा घर था, और वहाँ पे फिर मुझे घर दिखाया, घर बहुत सुंदर है। फिर मुझे बोला, क्या बोला पता है, कि तुम्हारा ये घर कोई इंटीरियर अभी तक शुरू किया? मैंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं, अब मैंने बोला अभी तक तो नहीं किया। तो फिर उसने बोला कि तुम ये घर एक काम करो ना, ये घर बेच दो। और वो जो घर उस कल ले गया था ना, वो बोल रहा था कि उसको फाइनेंस में लेने के लिए। अब मैंने बोला उनको कि देखो बताओ मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैंने तो अभी अभी ये घर खरीदा ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो हम लोग वहाँ पे सनराइज देखे, मतलब मैंने सनराइज देखा,
बहुत ज्यादा मजा आया ओपी ओपी। और फिर उसके बाद गाड़ी से निकल गए, मुझे छोड़ के चली गई तुम। कोई बात नहीं रियो, कोई बात नहीं, तुम तो छोटी हो ना बाबा, मुझे भी देखना है सन कलर ब्राइटनेस कम करो। ओके ओ भाई समझ में नहीं आ रहा। हाँ ना, रुक जा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला अरे रात से सुबह हो गई। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके निकल गए और पिल बॉक्स के सामने ना मुझे हार्दिक मिला, ठीक है। और वहाँ पे ना कुछ हरकतें हुई थी वो हार्दिक के साथ। फिर पता है उस टाइम भी टेक्स्टर ने जो हंसा भाई, मैंने आज तक कभी उसको इतना हंसते हुए नहीं देखा था, पता है। तो मैं तो हैरान हो गई उतना हंसते हुए देख के। फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही, हरियाणा सुनना। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद हम लोग बाड़ियों पे आए, तब बाड़ियों पे सब लोग सो गए थे। हाँ। फिर मैंने गुड नाइट बोला, उसने भी गुड नाइट बोला, बस वो सोने चले गए, मैं भी सोने चली गई। तो ये बताओ अभी आज गए तो मुझे साथ में लेके जाना होगा। है? तुमने बहुत ऐश कर लिया अभी साथ में, मुझे भी लेके जाओ, ऐश कराओ। ये बदतमीजी वाली बातें करना सिखाया मैंने तुमको? अच्छा चुप चुप आयुष, मतलब घूम फिर घूम लिए ना आपने सब कुछ, अभी मुझे भी दिखाओ ना वो। ये मैंने सिखाया तुमको? ये सिखाया? हाँ रियो, नहीं ये किसी बात हो गई बदतमीजी वाली। अरे मतलब तुम दोनों के साथ मैं नहीं जा सकता क्या? नहीं तुम जरूर जा सकते हो, जरूर जा सकते हो। तो वही तो बोल रहा हूँ, साथ में लेके जाओ मुझे भी पिकनिक स्पॉट के लिए। पिकनिक स्पॉट मैं आ सकता? हाँ मैं भी नहीं आ सकता क्या? पिकनिक आप जो कर रहे हो पिकनिक, क्या मैं पिकनिक कर रही हूँ? चलो हम लोग, अरे सुनो ये सब बातें पड़ी रहेगी, बहुत सारा काम है, जल्दी चलो, तुम बहुत नल्ले होते जा रहे हो दिन दिन, चलो घर की। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।